टेक इमिग्रेशन इन रोमानिया। हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एओएसएल जैतू। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो कनाडा की नई एसडीएस कैटेगरी आई है, या फिर ये कहा जाए कि जो एसडीएस कैटेगरी की डेफिनेशन में एक्सपेंशन आई है, उसमें अब आपको कौन सी चीज का खास ध्यान रखना है एंड कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो गाइस, जो नई एसडीएस कैटेगरी है उसमें आपको फाइनेंशियल या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का खास ध्यान रखना है। आपको कभी भी उस डॉक्यूमेंट को स्किप नहीं करना। दैट इज, आप ट्राई करें कि आप 6 to 7 lakh अपने सेविंग अकाउंट में जरूर शो कीजिए। ऑल्दो हमने जीआईसी पे कर दिया है, 1 ईयर की ट्यूशन फीस भी पे कर दी है, बट फिर भी इट वुड बी बेटर अगर हम 6 to 7 lakh अपने बैंक अकाउंट में शो कर दें। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वुड बी योर इनकम टैक्स रिटर्न। आपके फादर मदर की इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल में जरूर लगाए एंड वो होनी चाहिए 6 to 8 lakh के बीच में। फैमिली इनकम 6 to 8 lakh ही सफिशियंट है। ट्राई करें आप 2 ईयर्स की आईटीआर लगाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, दैट इज नेटवर्थ रिपोर्ट और सीए रिपोर्ट। गाइस, सीए रिपोर्ट में आपको अपने मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स एंड अपनी इनकम टैक्स रिटर्न शो करनी है। ट्राई करें कि आपकी सीए रिपोर्ट 1 करोड़ से प्लस हो। आपकी अगर अच्छी सीए रिपोर्ट होगी, आपने बैंक में फाइनेंस शो किए होंगे, तो आपकी फाइल में पॉजिटिव वीजा सक्सेस रेट ज्यादा होगी। तो ट्राई करें अपनी फाइल में लिक्विड फंड जरूर शो करें ताकि हम रिफ्यूजल से बच सकें। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही है, तो प्लीज आप हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को।